हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज प्रीत तिवारी। मेरे चैनल में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की छठ पूजा, जिसके आपको मेरा लुक देख के समझ में आई होगा, तो मैंने अपना इयरिंग्स वगैरह निकाल दिया है और आज का वीडियो हेयर कट गया है, जो कि मैंने अपनी स्टोरी पे लगाया था और इंस्टाग्राम रील पे भी अपलोड किया था। इंस्टाग्राम आई डी में प्रीत तिवारी 24। और काफ़ी लोग पूछ रहे हैं कि मैम अपने दूसरे चैनल का लिंक दीजिए, तो मेरे दूसरे चैनल का नाम है इंडियन यूट्यूबर प्रीत तिवारी, तो आप जाकर इसको सब्सक्राइब कर सकते हो। तो आज है एडवांस मैजिकल हेयर कट बोल सकते हैं आप इसको, एडवांस स्टेप हेयर कट भी बोल सकते हो। बहुत ही ईजी तरीका बताया है, आप आराम से कर लोगे और बहुत ही सुंदर लुक आएगा। तो हेयर कट स्टार्ट करते हैं और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन पे प्रेस कर लीजिएगा, ताकि नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल जाए। तो और उस वाले चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और हाँ, कई सब्सक्राइबर मेरे बोलते हैं कि मैम आप वीडियो लंबी बनाइए, लंबी कीजिए, तो इसकी भी मैं कोशिश कर रही, बट मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो कोई देखना पसंद नहीं करेगा, इसलिए मैं शॉर्ट वीडियो ही डाल देती हूँ 5 मिनट तक के। तो आगे भी कोशिश करूँगी कि वीडियो को लॉन्ग करूँ। और मैंने इयरिंग्स इसलिए निकाल दी कि मेरे कान में दर्द हो रहा था। उस वाले चैनल पे मैं अपना व्लॉग वाली वीडियो अपलोड करती रहती हूँ, तो काफ़ी दिनों से मैं वीडियोस नहीं बना रही थी, जो कि बहुत बुरा हो गया था हमारे साथ। तो बहुत मन नहीं करता है कुछ भी करने का, अभी भी कुछ करने का मन नहीं कर रहा है, बट कुछ भी हो जाए आदमी के साथ अपना काम तो स्टार्ट रखना ही पड़ता है। तो इसीलिए मैंने सोचा कितने दिनों तक आपको वेट कराऊँ आप लोगों को, तो मैं वीडियो स्टार्ट करूँ। क्या रीज़न है, किस वजह से हम लोग मेरा मन नहीं कर रहा कुछ भी करने का, सब कुछ मैं उस चैनल पे बहुत जल्दी वीडियो आ जाएगा तो रीज़न बता दूँगी मैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा बातें ना करते हैं। एडवांस स्टेप हेयर कट देख लीजिए आप इस वीडियो में। तो फ्रेंड्स, ये वाला हेयर कट किया था, आप देख सकते हो कितना प्यारा सा लुक आया है। तो इसको मैंने स्टोरी पे लगाया था, इंस्टाग्राम रील पे भी अपलोड किया था, तो आप लोगों ने पूछा था कि मैम इसका वीडियो कब आएगा और किस तरह टाइप से आपने किया है। तो चलिए आपको मैं बता देती हूँ कि कैसे हेयर कट करना है, बहुत ही आसान तरीका बताऊँगा। ये देखो पोनी में भी कितना प्यारा लग रहा है ये, और इनकी फ्रेंड जिसका हेयर कट किया था वही पोनी बना रही थी, तो मैं बोला आपको वीडियो ले लेती हूँ ताकि अच्छा भी लगेगा। देखिए कितना प्यारा, पोनी बनाओ, ओपन रखो, क्लचर लगाओ, कैसे भी रख सकते हो, हर टाइप में ये वाला हेयर कट स्टाइलिश लुक देता है, बहुत ही प्यारा लगता है। तो कटिंग स्टार्ट करते हैं, आप देख सकते हैं इनके बालों का क्वालिटी कैसा है और बाल कैसे हैं। तो बहुत ज़्यादा भीड़ चल रही थी पार्लर में, छठ पूजा चल रहा है इसलिए। तो मैं गई थी यहाँ पे सावर लेने एंड इनके बालों को गीला करना है, उसके बाद से कटिंग स्टार्ट करेंगे। तो जल्दी से बालों को गीला करके सारे टैंगल्स जितने भी हैं वो सब रिमूव कर लेते हैं। आप इंस्टाग्राम पे फॉलो जरूर कर लीजिएगा, इंस्टाग्राम आईडी है प्रीत तिवारी 24। उस पर मैं अपनी रील्स वीडियो अपनी फ़ोटोज़ वगैरह अपलोड करते रहती हूँ, तो अगर इंटरेस्टेड हो तो प्लीज़ फॉलो कर लीजिएगा प्रीत तिवारी 24। और व्लॉग चैनल का नाम है इंडियन यूट्यूबर प्रीत तिवारी, तो उस पर मैं अपनी व्लॉगिंग वीडियोज अपलोड करते रहती हूँ, तो उसको भी ज़रूर देखिएगा। तो इस टाइप के हेयर हैं। तो चलिए कटिंग स्टार्ट करते हैं। तो मैंने इनके बालों को गीला कर लिया है और सुलझा भी लिया है, तो अभी चलिए कटिंग स्टार्ट करेंगे। मैं शायद कुछ करने लग गई थी उधर, कोई कस्टमर आया था, उनका थ्रेडिंग में कुछ हेयर वगैरह बचे थे तो वो निकालने लग गई थी। सबसे पहले मैं इनके बालों को बीच से, जैसे हम लोग पफ बनाते हैं, यहाँ से क्राउन एरिया से कुछ इस तरीके से लेंगे। आप ध्यान से देखिए मैं कैसे पकड़ रही हूँ हेयर को, मैंने अपने बालों में कंघी वगैरह भी नहीं की है, इस वजह से ऐसे दिख रहे हैं बस नहा के, और सुबह से ही लाइन लगी हुई है कस्टमरों की। तो मैंने ऊपर से सुलझा लिया, यहाँ पे थोड़ा सा सूखा हुआ था बाल, तो उसको भी गीला कर लेती हूँ। ओके, ये चाची जी पूजा कर रही थी तो अभी इसमें ही आएंगी, ये देखिए। सिंदूर की डिबिया लिया इन्होंने, यहाँ पे पार्लर में छोटी सी मंदिर है गणेश भगवान और लक्ष्मी जी की, तो उस वहीं पे पूजा करने गई हूँ। तो इस तरीके से हेयर को पकड़ना है आपको, देख सकते हो कैसे मैंने उठाया है, और एकदम अच्छे से सुलझा लेना है,
जब पूरा अच्छे से सुलझ जाए तो बालों को एकदम 90 डिग्री पे इस तरीके से उठा के ले जाना है। पूरा एंड तक वीडियो ज़रूर देखिएगा अच्छे से समझने के लिए। इस तरीके से उठाया है और यहाँ से हम लोग को स्टेप स्टार्ट करने हैं। तो ये हेयर कट कर देंगे इनका और इसमें छोटी छोटी कट्स लगा देंगे सीजर को स्ट्रेट करके। इससे स्टेप बहुत अच्छा आता है। आप स्ट्रेट हेयर में इस तरीके का कट दे सकते हो। इनका भी पूरा स्ट्रेट हेयर कट है और कट भी बहुत अच्छा आया था। अब मेरी बेटी आ रही थी कि मम्मी कुरकुरा फाड़ के दो। मैंने बोला नहीं नहीं बाहर जाओ दादी से फड़वा लो, तो चली गई बाहर। तो यहाँ से इस तरीके से हेयर को उठाना है, फिर इसको भी स्ट्रेट कॉम करके ऊपर की तरफ लेके जाना है 90 डिग्री पे पूरा इस तरीके से। जो हेयर छूट रहे हैं उसको आप छोड़ सकते हो क्योंकि वो आपकी कट्स हैं इस वजह से छूट रहे हैं। ऊपर की तरफ लेके जाएंगे और जो हमने बीच में हेयर कट किया था वो हमको गाइडलाइन मिल जाएगा। ये देखिए ऊपर में जो कट हुए हेयर दिख रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग सारे हेयर को कट कर देंगे। ओके अच्छा सीजर को स्ट्रेट करके इसमें कट लगा देंगे। वाओ अभी पूरा हेयर कट देखिए और भी प्यारा लुक आने वाला है। अब दूसरी साइड से भी सेम इसी तरीके से कट करेंगे। ओके जब तक बाल अच्छे से सुलझे ना तब तक आपको कटिंग स्टार्ट नहीं करना। जो हेयर निकल रहे हैं उनको निकलने दीजिए क्योंकि वो आपके कट हो चुके हैं। और ये जो ऊपर हमको गाइडलाइन दिख रहा है उसके अकॉर्डिंग सारे हेयर को कट कर देंगे। इस तरीके से फिंगर में पकड़ना है और स्ट्रेट सीजर रख के इसमें कट्स लगा देने हैं। ओके अभी हम लोग क्या करेंगे, पूरा हेयर चाहो तो एक साथ ऊपर लेके चले जाओ और एक हाँ सेम एक कट में ही पूरा मैजिकल हेयर कट दिख जाता है। उसका वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है तो वो अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज़ चेक कर लीजिएगा। तो इनके बाल थोड़े से हैवी थे, मतलब भारी थे, वॉल्यूम ज़्यादा था तो एक साथ नहीं आ पाएगा। तो आप यहाँ से थोड़ा सा हेयर उठा लो जैसे मैंने लिया है। ओके अब इसको कॉम करके ऊपर की तरफ लेके जाओ। पूरा स्ट्रेट ऊपर की तरफ कॉम करके लेके जाओ और यहाँ से कट कर दो। बहुत ज़्यादा स्टेप दिखेंगे इस तरीके से आपको। आप देख सकते हो कितना प्यारा लग रहा है इनका हेयर कट। बाकी आप लोग खुद ही बताना कमेंट बॉक्स में कि आपको हेयर कट कैसा लग रहा है। अभी हम लोग क्या करेंगे, इनका क्राउन एरिया से हेयर को उठाएंगे। थोड़ा सा मैं गीला कर ले रही हूँ यहाँ पे। जैसे बाल उलझ जाते हैं तो बार बार आपको सुलझा लेना है। ओके फाइनल लुक देखने के लिए पूरा वीडियो एंड तक ज़रूर देखते रहिए। तो ये सुलझ गया है बाल इनके। अब मैं इसको थोड़ा सा हेयर को पूरा हिला के इधर उधर करके देख लेती हूँ कि लेयर्स अच्छे से दिख रहे हैं कि नहीं। तो इनके लेयर काफ़ी अच्छे दिख रहे हैं बट थोड़ा सा मुझे कम लग रहा है अभी, और ज़्यादा लेयर्स चाहिए इसमें। तो उसके लिए हमको क्या करना है, इस तरीके से हेयर को उठाना है यहाँ पे। वैसे आप क्लच कर रहे हो तो इतने में भी बहुत प्यारा लुक आएगा आपका। तो ये हमने क्राउन एरिया से इस तरीके से हेयर लिए हैं और इसको पूरा स्ट्रेट ऊपर की तरफ कॉम करके लेके जाएंगे। ओके और आप पूरा स्ट्रेट रखो, जो ऊपर नीचे हेयर है उसको पूरा स्ट्रेट कट कर दो इस तरीके से और उसमें कट लगा दो। और उसके बाद आप इसको हेयर को छोड़ के देखो कितना प्यारा लुक आ रहा है। ओके इसके बाद आप फिनिशिंग दोगे। फिनिशिंग के लिए छोड़ी लेंथ, जो हमने अभी तक लेंथ कट नहीं किया इसमें तो उसको कट करेंगे। तो अच्छे से पहले कॉम कर ले रही हूँ हेयर को और थोड़ा
थोड़ा सा डीप यू और नीचे से स्ट्रेट लुक देंगे। स्ट्रेट लुक से क्या होता है कि आपके बालों की वॉल्यूम कम नहीं दिखती है अगर आप ओपन रखो या फिर पोनी बनाओ तो, इसलिए नीचे से मैं स्ट्रेट लुक स्ट्रेट कट दे रही हूँ। अब इस तरीके से आप क्लचर लगाओगे तो भी बहुत प्यारा लुक आएगा, हाफ बालों में लगाओगे तो भी बहुत प्यारा लुक आएगा, ओपन छोड़ो तो भी आपका लुक बहुत प्यारा दिखेगा बालों का। इस तरीके से क्लच लगाओगे तो भी बहुत ही प्यारा लगेगा। तो आप जैसे चाहो वैसे इस वाले हेयर कट में अपने बालों को रख सकते हो। ओके, तो अभी मैंने इसमें ब्लो ड्राई वगैरह कुछ नहीं किया है, बस कट से ही इतना प्यारा लुक आ गया है। ओके, आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। चलिए इनकी पोनी दिखा देती हूँ आपको। ये देखिए फ्लोर पे इतने ज़्यादा हेयर इनके कट हुए हैं। तो आप ये देखो इनकी पोनी बना रहे थे तो मैंने इनका वीडियो ले लिया कि देख लीजिए आप पोनी के साथ कैसा लगता है ये हेयर। बहुत ही प्यारे स्टेप आए हैं, बहुत ही प्यारे लेयर्स आए हैं, फुल एडवांस लेयर, एडवांस स्टेप भी बोल सकते हैं आप इसको। और यहाँ पे पोनी बना देंगे। तो आई होप कि आप लोग को वीडियो पसंद आई हो और लुक भी काफ़ी अच्छा लग रहा हो इनका हेयर कट का। प्रीति वाली चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए गाइस, ताकि अपनी फैमिली 17,000 से 17,00,000 तक पहुंच पाए। आप लोग के सपोर्ट के बिना कोई भी यूट्यूबर कुछ भी नहीं है, तो आप लोग प्लीज़ मुझे भी थोड़ा सा प्यार दिखाइए, सपोर्ट कीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो, इनका हेयर कट भी अच्छा लगा, बहुत सारे हेयर कट की वीडियोस पड़ी हुई हैं तो मैं एक एक करके अपलोड कर दूँगी। और वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिएगा ताकि और भी वीडियोज मैं बनाऊँ। और प्लीज़ इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर लीजिएगा, इंस्टाग्राम @PreetiBhai24 से। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो का, बाय।